नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम हैं AKGEC में। जब आप AKTU की काउंसलिंग की बात करते हो तो एक कॉलेज का नाम जो बार बार आपके सामने आता होगा वो है AKGEC। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि एक अनबायस्ड रिव्यू बिल्कुल न्यूट्रल होके प्रोवाइड करें आपको, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं AKGEC के, उनसे हम बात करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम धीरज कुमार यादव है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूं। कौन से ईयर आपको? फाइनल ईयर है मेरा। ओके, आपका नाम क्या? माय नेम इज खुशी एंड आई एम इन फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव यादव है, मैं फोर्थ ईयर ईसी ब्रांच का। ईसी ब्रांच आपका? मेरा नाम अरिंद दुबे और मैं फोर्थ ईयर ईसी ब्रांच का स्टूडेंट हूं। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक स्वरूप है, मैं बीटेक कर रहा हूं और सेकंड ईयर में। आपका नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं सेकंड ईयर में हूं और सीएससी से बीटेक कर रहा हूं। आपका? माय नेम इज अजय सिंह एंड आई एम डूइंग बीटेक इन सीएससी एंड आई एम इन सेकंड ईयर। ओके, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा जो स्टूडेंट से होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर आप न्यूज़पेपर्स ट्रैक करते होगे क्लोजली, तो एक कंसर्न जो कंपनीज का सबसे बड़ा है वो ये है कि आज जो आपका करिकुलम है AKTU का, या मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज भी जो करिकुलम अडॉप्ट करती हैं, वो करिकुलम और जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है स्किल्स, उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है। अग्री करते हो आप सब इस बात से? करिकुलम आउटडेट हो गया, राइट? तो AKGEC ऐसे क्या स्टेप्स या क्या इनिशिएटिव्स लेता है जिससे उस स्किल गैप को ब्रिज किया जा सके? क्या ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं यहाँ पे AKGEC में? जैसे हमारा आइडिया लैब हो गया, उसमें अपने जो थॉट्स हैं वो लेके जा सकते हैं, उधर से हमें स्टार्टअप के लिए हेल्प मिल सकती है। स्टार्टअप वाला एक पॉइंट हो गया। मैं जैसे ये समझना चाह रहा हूँ, जो करिकुलम है उसको अपडेट हुए काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो अभी जैसे ChatGPT आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या उस स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए कोई स्पेशल फोकस है यहाँ पे? लेकिन मतलब वो सबके लिए नहीं होता है। okay. उसमें चूज करते हैं बच्चे। किसके लिए? मतलब किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें? उसमें बेसिकली जो मतलब वही जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है वही देते हैं वो। लेकिन मैकेनिकल थोड़ा ज्यादा होता है उसमें, कंप्यूटर साइंस वाला थोड़ा कम होता है। जैसे यहाँ एक कूका रोबोटिक्स है, वो पूरे ऐसा ये लोग कहते हैं कि पूरे गाज़ियाबाद दिल्ली NCR रीजन में सिर्फ उस यहीं पे। ओके। और किसी के पास नहीं, और बहुत लोग जैसे कुछ लोग IIT से भी इंटर्नशिप करने यहाँ आते हैं। अच्छा, तो ये एक थोड़ा एज प्रोवाइड करता है, और इसकी प्रोज में ये कह सकता हूँ कि थोड़ा कैंपस थोड़ा लश ग्रीन है, तो वहाँ पे ये थोड़ा अच्छा। दूसरे दिल्ली NCR कॉलेज से ये बड़ा है और लश ग्रीन है। अच्छा, ये स्किल्स वाले गैप को ब्रिज करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहा है कॉलेज? मतलब कर रहा है, टाइफिक में हमारा जो चल रहा है उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर आते हैं, मतलब कि बहुत सारी मशीनरीज लगे जो रोबोटिक जैसे उस सब चीज़ों पे बच्चे काम कर रहे हैं, तो ठीक है कुछ जगह पे जहाँ सीखने को मिल रहा है। okay. और फिर भी अच्छा है एक तरीके से। आपका क्या कहना है? मेरे को लगता है थोड़ा इन्हें प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, वो एकदम पूरा थ्योरी पे चलता है इनका। अच्छा, एग्जाम्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, मतलब वो तो सारे कॉलेजेस में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल चलें बच्चे, जैसे मैंने जितना सुना है अपने सीनियर से कि इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब नहीं अलाउ करते हैं ज़्यादातर। इंटर्नशिप अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ है? मतलब जैसे NOC नहीं देते, मैंने सुना है कि मतलब सेकंड फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जाके भी मतलब NOC मिलती है, उससे पहले NOC मिलती भी नहीं है। ओके, अच्छा ऐसा है। अटेंडेंस मैंडेटरी है 75%, मतलब 75% इससे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर मान लो किसी का 75% नहीं है तो फिर नहीं है, तो डायरेक्ट डिबार्ड फ्रॉम एग्जाम, डायरेक्टली डिबार्ड, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट हमारा डेली आईडी कार्ड भी स्कैन हो जाता है, 2-4 मिनट लेट हो गए तो उसके लिए आईडी कार्ड स्कैन, उसके लिए पेनल्टी कटता रहता है। मतलब मेडिकल, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट होता ना वो भी कंसीडर नहीं करते, मेडिकल सर्टिफिकेट भी कंसीडर नहीं होता, डायरेक्ट TRF होता है। ये तो थोड़ा सा ऑड है। सबसे बड़ी इशू यहाँ की है ना कि यहाँ अटेंडेंस का बहुत ज्यादा इशू, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा, स्ट्रिक्टनेस एक्सट्रीम, मतलब स्कूल कोई भी, मतलब अगर आप अटेंडेंस के लिए वैलिड रीजन भी देते हो तो उसे मान्य नहीं मानते हैं लोग, मतलब उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी मतलब कि मैटर नहीं करता। अच्छा, जैसे बेट्स है उसने 0 अटेंडेंस कर रखा है, आपको पता हो तो, राइट? तो उसका आपको लगता है कि यहाँ भी अगर अटेंडेंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए तो स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कुछ लोग सब ये थोड़ी कर रहे हैं, कोई गेट के लिए कर रहा है तैयारी, कोई UPSC के लिए, कोई PCS के लिए, तो वो अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो उसको, जैसे अगर सपोज कोई मैकेनिकल से पढ़ रहा है उसको उस डोमेन में नहीं काम करना है, उसको कोडिंग करना है, प्लेसमेंट लेनी है, तो उसको वहाँ कैसे वो हेल्प करेगा वो? हमारे 8 घंटे टाइम तो चले जाते हैं कॉलेज में आने जाने के, 4 बजे क्लास चलता है, सुबह 8:30 यहाँ आना ही पड़ता है, 8:30 पहले नहीं है तो आईडी कार्ड स्कैन होगा, तो मतलब कि अलग से टाइम मिलता है, यहाँ जाने के बाद 4 बजे के बाद आदमी थक जाता है, सोता है, तो फिर अलग से क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लास कॉलेज में भी नहीं मिल रहा आपको।
क्लास में भी टाइम से पहुंचना है, मतलब एक तरीके से स्कूल जैसा लगता है कि जैसे हम लोग जो सोच के आए थे ना कॉलेज लाइफ के जैसा रहेगा वैसा तो एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला सोच के आए थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अगर 20% भी मान लेते हैं कि वो अगर हमारा ड्रीम था वैसा कॉलेज लाइफ जीने का, तो उसका 0.5% भी वैसा नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, अमृत महोत्सव का फेस्ट हुआ था, उसमें क्या सीन था कि मतलब आपके पास पास है तो भी जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे तो जाए नहीं दिए थे, गए ही नहीं थे मैक्सिमम। बताइए अगर आपके खुद के कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, अगर आप खुद ही नहीं जा पा रहे हो तो बहुत गलत है ना ये तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, वो फैकल्टीज के ऊपर है। तो फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ पे? अब फैकल्टीज़ कैसी हैं इसको हम बाइफर्केट इस तरीके से करते हैं, क्या उनके पास इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, क्या वो कॉर्पोरेट में काम करके आए हैं, दूसरा उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एमटेक करके केवल पढ़ा रहे हैं यहाँ पे या पीएचडी भी है, कोई रिसर्च पेपर भी किया उन्होंने, क्या एक्सपीरियंस में किस तरीके की फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे? जैसे अगर इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस की बात करें तो इस समय मैक्सिमम कंपनीज जो आ रही हैं वो आईटी सेक्टर की आ रही हैं, और जो कोर ब्रांच है वो तो मैं फैकल्टीज की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने काम किया है इंडस्ट्री यहाँ की? बढ़िया है फैकल्टी, पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या फैकल्टी से जब आपका इंटरेक्शन होता है तो ये पता चला कि कुछ फैकल्टीज जो है वो उन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है और वो यहाँ पढ़ा रही है, तो अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं आपसे कि कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है, क्या ऐसी कुछ फैकल्टीज भी हैं? फैकल्टीज है, हाँ आप कुछ ऐड करें। बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ सिलेक्टिव से ही है, बाकी तो सब एमटेक वाले ही है और कोई कोई पीएचडी भी है, रिसर्च पेपर वाले भी हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वाला थोड़ा कम है। और टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है उनका, मतलब किस तरीके की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, आपको समझ में आता है अच्छे तरीके से? वो पीपीटी वाला चलता है कि मतलब पीपीटी लगा दिए और फिर उससे रेलेवेंट पढ़ाते हैं। ओके, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? यहाँ तो टीचर की नहीं, मैं खुद ही ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ तो उसको कैसे बोल दूंगा कि वो पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। आप बताइए, आप कुछ ऐड करें? मतलब कि टीचर हैं पढ़ाते हैं, कुछ हैं जो पीपीटी पढ़ाते हैं, कुछ है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे हेल्प लेने जाओ तो बहुत अच्छे तरीके से मदद भी करते हैं ऐसा, मतलब फैकल्टी तो बहुत तरीके से बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया। आप कुछ ऐड करें? फैकल्टी तो है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब समझ में भी आता है, अच्छा खासा पढ़ाते हैं, बस ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो होती है थोड़ी। आपका क्या कह रहे हैं फैकल्टीज को? सर जो पुरानी फैकल्टीज हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, इस समय कई सारी नई फैकल्टीज भी आई हैं, क्योंकि कई सारे टीचर्स अभी रिसेंटली, कुछ टीचर जीएल बजाज में चले गए, उससे पहले कुछ टीचर्स जेएसएस में चले गए, तो जो नए टीचर्स आए हैं उनमें मतलब कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े मतलब ठीक ठाक। कितने परसेंट फैकल्टीज चेंज हो चुकी हैं जो लास्ट जो पढ़ा रहे थे उनमें से? कितनी आई थिंक रिसेंटली 25 फैकल्टी जो है, 25% नहीं, नो टीचर 25 फैकल्टीज, यस। अच्छा, वो अभी लीव करके शायद जीएल बजाज में जा चुके हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन है मुझे। ठीक है, ठीक है। इंटर्नशिप्स का क्या है, मतलब यहाँ इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को? इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे AKGC स्किल्स है, जहाँ से इंटर्नशिप लोग कॉलेज का ही अपना है, कोई दूसरी कंपनीज में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज, उससे पीपीओ वगैरह भी मिलते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं मिल रही है अभी? वो तो आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें कॉलेज कोई हेल्प नहीं करता है? इस टाइम जो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हो रही है वो आईटी सेक्टर में हो रही है। ओके, और अगर किसी कोर ब्रांच के लड़के को अगर जाना है आईटी सेक्टर में तो उस लेवल का उसे एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है कि इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस क्या है, क्या उधर करिकुलम चल रहा है, वैसा स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं कोर ब्रांचेस वाले को, उनको अलग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लोग देख ही रहोगे स्टार्टअप का बहुत इन्वायरमेंट चल रहा है इंडिया में, है ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स अपने यहाँ, इंक्यूबेशन सेल्स अपने यहाँ एस्टैब्लिश किए हैं, तो यहाँ क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे और किस तरीके से फंक्शन करता है इंक्यूबेशन सेल? आइडिया लैब नेम से है एक। अगर आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो तो आपको इनिशियल फंडिंग मिलती है। ओके, और अगर 2-3 महीने बाद अगर आप उस पर मतलब दिखाते हो कितनी प्रोग्रेस हुई है तो फिर और ज्यादा मिलती है। मेंटरशिप भी मिलता है यहाँ पे? हाँ, मेंटरशिप भी मिलता है। हाँ, कुछ ऐड करें? यहाँ पे यही इस चीज का बहुत एज है कि अगर आपके पास आइडिया है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोई भी फील्ड रहे, हाँ, तो आपको वहाँ से मतलब सब चीज प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपको फाइनेंशियल एड भी मिलेगा, उसके बाद टीचर का गाइडेंस मिलेगा, केबिन भी मिलता है अलग से। अच्छा, प्रॉपर एक केबिन मिल जाता है स्टूडेंट को। कुछ स्टार्टअप्स का नाम बताओगे आप जो यहाँ पे अभी इनक्यूबेट हो रहे हो, मतलब आइडिया हो आपको? एज ड्रॉप्स है, वो तो मेरे ही बैचमेट ने स्टार्ट किया। क्या है उनका कॉन्सेप्ट? उनका ये था कि मतलब जो नॉर्मल जो हमारी चीजें होती है, जैसे उसको उसने एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया था, मतलब सब कुछ ही, कपड़े, ग्रोसरी, सब। अच्छा, वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा कुछ था, तो उसको मिला था अपना केबिन वगैरह सब। हाँ, कुछ ऐड करो? लैब्स भी है यहाँ। क्या होता है डीएलटी लैब्स? वो यही होता है, इनसे रिलेटेड ही होता है, मतलब वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एड। अच्छा, हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो आप लोग स्टार्टअप के रिगार्डिंग? सर, एक सोप का स्टार्ट भी, सोप का भी है जो नेचुरल सोप बनाने का किया था, कि मतलब जितनी भी सोप, मतलब जितना सेल होगा उसकी जितनी भी अर्निंग होगी, मैक्सिमम अर्निंग जो मतलब बच्चे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको मिलेगा। अच्छा, ठीक है। टर्म्स पे, चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो होता है प्लेसमेंट, चूंकि ROI निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टाइम का भी, प्लस
मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है आपका, तो अभी कैसा चल रहा है यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट्स का सिनेरियो? मीडियम प्लेसमेंट क्या होगा फिलहाल? तो यहाँ के प्लेसमेंट्स ऐसा कुछ हाई जा नहीं रही है। क्या मीडियम प्लेसमेंट क्या ले रहा होगा यहाँ पे अभी? अप्रोक्स 4 to 5 lakhs एवरेज प्लेसमेंट। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ आपने पढ़ाई CSIT की या मैकेनिकल की, बट प्लेसमेंट जो आपको मिलता है वो मिलता है सेल्स में, राइट? तो क्या ऐसा सिनेरियो यहाँ पर भी है, या आपने जो पढ़ाई की उसके रेलेवेंट फील्ड में ही आपको प्लेसमेंट मिलता है? वो तो आपके अपने स्किल्स पे डिपेंड करता है टोटली, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो कोडिंग राउंड में, इंटरव्यू राउंड में कैसा कर रहे हो आप, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। तो अभी प्लेसमेंट के बारे में आप बताओ थोड़ा सा डिटेल में। मतलब प्लेसमेंट जैसा सब जगह चल रहा है, रिसेशन है, मतलब पिछले 2 सालों से रिसेशन चल रहा है, तो वही यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार थोड़ा सा ठीक है। पिछली बार वाले मतलब अभी तक भी अनप्लेस्ड हैं कुछ बच्चे, तो इस बार कंपनीज आ रही हैं लेकिन उतनी नहीं आ रही हैं। कुछ बड़े नाम जो आप बताना चाहो, मतलब कुछ ऐसे आई है मैं वो बता देती हूँ। एक स्नाइडर नेम से आई है, एक मिर्केटा नेम से आई है, और एसेंचर भी आई है, नहीं है, और TCS नहीं आएगी इस बार, नहीं आएगी, अच्छा ओके, और अलोहा आई है, और साई फ्यूचर, और क्लाउड एनालॉजी एक कंपनी है वो आई है। मीडियम मतलब आप बता रहे हो 4 to 5 lakh तक का, राइट? और क्या इन्वेस्टमेंट क्या जाता है स्टूडेंट्स का, ओवरऑल फी क्या है 4 years का कंप्लीट? अभी बिना हॉस्टल के जैसे हॉस्टल का फीस है तो 1,20,000 है, और केवल ट्यूशन फी? ट्यूशन फीस तो मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में लग जाता है 1.5 lakh, ओके, मतलब करीब करीब 5 से 6 lakh रुपए आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। और अगर हॉस्टल तो 12 है तो तकरीबन 8 से 10 lakh रुपए तक। ओके ठीक है, ओके, तो अब पढ़ाई लिखाई की तो बात हो गई, अब आते हैं कैंपस लाइफ की। कैसा है कैंपस लाइफ यहाँ पे, फेस्ट वगैरह का क्या सिनेरियो है? कैंपस लाइफ तो यहाँ की एवरेज है, फेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, ओके, हाँ स्पोर्ट्स मतलब नहीं होते हैं मतलब नहीं होते हैं बिल्कुल फेस्ट, ओके, कभी फ्रेशर्स एक बार हो गया तो वैसा सीन। केवल आप बताइए जरा डिटेल में। फेस्ट तो नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल स्कूल जैसा ही है कि क्लास जाओ एग्जाम्स दो, क्लास जाओ एग्जाम्स दो, पूरे 4 साल यही चलता है अगर आप किसी सोसाइटी में नहीं है तो। और अगर आप अपनी मतलब मन के अकॉर्डिंग कोई सोसाइटी ज्वाइन करते हो जैसे डांस की या वो, तो फिर वहाँ कितनी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे? सोसाइटीज़ तो काफ़ी हैं, मतलब ड्रामेटिक्स भी मिल जाएगा और सिंगिंग भी है और डांसिंग भी है और टेक सोसाइटीज़ भी हैं, अगर हम IT की बात करें तो बहुत सारी। और फंक्शनल हैं या केवल नाम के लिए हैं? नहीं, फंक्शनल है, प्रॉपर फंक्शनल है। ओके, हाँ आप कुछ बताइए जो कॉलेज लाइफ है उसके बारे में। कॉलेज लाइफ तो अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो मैं इससे एग्री करूँगा, तो मतलब आप थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में नहीं हैं तो आपका सिर्फ कॉलेज से क्लास से रूम पे और रूम पे से क्लास, क्लास से हॉस्टल, हॉस्टल टू क्लास, बस। अच्छा, यही आप कुछ ऐड करिए। बीटेक जब से आए, अभी पिछली बार केवल एक बार होली का फेस्ट हुआ था उसी में घूमे, तो उसके बाद अभी तक कोई फेस्ट हुआ ही नहीं है, इसी तरीके से चल ही रहा है, मतलब क्या ही है, मतलब कुछ है ही नहीं वर्ड, मतलब बिल्कुल जीरो है। और आपको क्या लगता है कि होना चाहिए फेस्ट वगैरह, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स कॉलेज में आए तो क्या, मतलब कि यार वही सीन है कि अब स्कूल आए बैग टांगे आईडी कार्ड पहने क्लास में बैठे अटेंडेंस दिए बस आई घड़े घर चले गए, कुछ हुआ नहीं, ज्यादा हो जाते थे। अच्छा, स्कूल में तो सब मनाया जाता था, सभी जनों बिल्कुल यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट डे होता है तो उसमें टीचर लोग अपना योगा करके चले जाते हैं, योगा करके चले जाते हैं टीचर। अच्छा, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता ये कब क्या हुआ, फोटो आता है उसमें देख लेते हैं ये फंक्शन, बाकी यूट्यूब के लिंक्स मिल जाते हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं, लिंक्स मिल जाते हैं आप उस पर देख लो। फेस्ट होते हैं जैसे जोनल्स हो गए और इंटर डिपार्टमेंटल हुआ, इससे यहाँ के बच्चे जो है एथलेटिक्स में है, खो खो कबड्डी फुटबॉल वॉलीबॉल सब जाते हैं उसमें किस तरीके का सपोर्ट कॉलेज प्रोवाइड कराता है? उसमें हमारी PDP क्लासेस चलती है फर्स्ट, और कब से स्टार्ट होती है क्लासेस? सेकंड ईयर से, और कब तक कंटिन्यू होती है ये? सेकंड ईयर ही चलती है, सेकंड ईयर में ही खत्म हो जाती है। फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स का क्या होता है फिर? नहीं वो बस सेकंड ईयर, हम लोग का तो सेकंड ईयर तक ही चला था। अच्छा, जैसे हम लोग थर्ड ईयर में भी नहीं, जैसे हुआ थर्ड ईयर में चला रखी, मतलब जो नॉर्मल हमारे लेक्चर्स है उसी में इंक्लूड किया हुआ है, शायद वीक में एक या दो दिन ऐसा। अच्छा, हुआ क्या और वर्कशॉप, हाँ बताइए हुआ क्या था? ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए था, लेकिन ये हुआ क्या कि सेकंड ईयर में कुछ दिन जाने के बाद बच्चों को पता चल गया कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगा? मतलब कोई आता ही नहीं था क्लास में, मतलब मास्क नहीं, वो जो टीचर्स के बाद बच्चों की मेंटालिटी भी ऐसी हो गई थी कि इस फोकस कर रहे हैं। अच्छा,
मेन बच्चे आ रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस के लिए, उसका अटेंडेंस मिलता था नहीं, तो अटेंडेंस इसमें भी रहना चाहिए तभी आप प्लेसमेंट बैठोगे, अगर पीडीपी में अटेंडेंस नहीं तो अटेंडेंस आप डिबार्ड हो। अच्छा ऐसा है, हमने भी बोल रखा है सेकंड ईयर में, इसलिए तो मतलब क्या ऐसा आप लोग ये कह रहे हो कि वो आउटकम ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है, वो केवल अटेंडेंस के लिए है, ऐसा है क्या? बच्चे भी फिर वैसे ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि टीचर्स जो बहुत अच्छे हैं ना वो बुलाते हैं, मतलब कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है किसी ने, बहुत ज्यादा ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम कर रखे हैं, वो कॉलेज के टीचर्स नहीं होते हैं, वो बाहर से ही बुलाते हैं, लेकिन बच्चे फिर उसको एज अ कॉलेज क्लास ही लेने लगते हैं, मतलब वो लोग तो अपना आउटपुट डालते हैं, जो मतलब करने वाले हैं सीखने वाले हैं वो बच्चे करते हैं, मतलब ये तो स्टूडेंट कैंसर प्रॉब्लम हो गई ना फिर। सैटरडे के दिन होता है, सेकंड ईयर में सैटरडे टाइम होता था तो उस टाइम सब बच्चे छुट्टी मार देते थे। अच्छा। तो निकल जाते थे। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों को रेट करना हो अपने कॉलेज को तो क्या रेटिंग दोगे आप? 10 out of 10? आउट ऑफ मैं 6 6। आप? 5। आप? अब किस चीज पे बात? ओवरऑल मैं भी 6.5 ही दूंगा। आप? मैं तो मतलब फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, तुमको प्लेसमेंट चाहिए ना? प्लेसमेंट तो मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं 8 दूंगा, बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ? मैं 7.5 दूंगा। आप 7? अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा, जो लोग AKGEC को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे टिप्स बताओ आप या कुछ ऐसे हैक्स बताओ आप जिससे उनका पूरा का पूरा कॉलेज लाइफ स्मूथली निकल जाए, चूंकि आप फोर्थ ईयर में हो तो आप लोग ऐसे टिप्स बता सकते हो, तो कुछ ऐसे टिप्स बताओ जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जो फ्रेशर्स आने वाले हैं। फ्रेशर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आप अल्टरनेट गैप कर सकते हो, अगर आपको अपना डिवार करा दोगे, डिवार नहीं, आप अटेंडेंस 75 लेके चलो, उससे ऊपर अगर आप 95 पे जा रहे हो तो मत करो, 75 एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करो, उसके बाद आप अपना जो स्किल्स है उसको डेवलप करने में लगा सकते हो। आप बताइए कुछ। हाँ वही कि फर्स्ट ईयर जो है वो पूरा मतलब एक्सप्लोर करना है, जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह है, किसी को मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, टेक्निकल कल्चरल सब कुछ एक्सप्लोर करना है, और सेकंड ईयर में फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करना है जिसमें भी इंटरेस्ट हमारा आ रहा है, और बाकी वही क्लास को मतलब मैनेज करके चलना है सब कुछ, अगर बिल्कुल कॉलेज पर छोड़ देंगे तो फिर तो नहीं होगा। ठीक है, आप बताइए। मैं ये बोलूँगा फर्स्ट ईयर तो फुल हैक्स बता दो बिल्कुल जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर तो मतलब तुमको पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं, फुल मौज काटनी है एकदम। अच्छा। जितनी मौज काट सकते हो। सेकंड ईयर में ये करना है कि तुमको अब मतलब सारे फील्ड्स ट्राई करो और जिसमें तुमको लगता है कि तुम उसमें एक्सेल कर सकते हो उसको पकड़ो, और थर्ड ईयर पे उस पर काम करो, और फोर्थ ईयर में जितना भी तुमने थर्ड ईयर में काम करा उससे रिजल्ट आ जाएगा तुम्हें फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। आप बताइए कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि देखो आप लोग स्कूल आ रहे हो, फिर से स्कूल ही ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम जो ही ना करो ये कॉलेज वालों, ऐसा नहीं, मतलब कि बहुत अच्छा है, एग्जाम का लोड लेने का टेंशन नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन ये रख के आओ कि बिल्कुल स्कूल में ही आ रहे हो दोबारा से, राइट? सही है, फेस नहीं होता है, बाकी फैकल्टी मामले में नंबर 1 का है, बहुत बढ़िया है। आप लोग आओ आराम से पेपर दो, 90 रुपए का क्वांटम आता है, खरीद की परीक्षा एग्जाम से पास करने जाओ, पढ़ाई की टेंशन नहीं है। अच्छा। मैक्सिमम 75 अटेंडेंस रखो, बाकी अपने स्किल्स पे काम दो, बाकी घूमो फिरो, ये वो करो, कॉलेज जो करना। आप बताइए। मैं तो अभी सेकंड ईयर में, मेरा फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया गया। मतलब कैसा रहा आपका फर्स्ट ईयर? मतलब ऐसे ही मजे में निकल गया सब फ्रेंड्स वगैरह के साथ। क्या CGPA बना आपका ओवरऑल? मेरा बना था 8। बढ़िया, पढ़ने वाला है फिर तो लड़का। अच्छा, आप बताइए। हाँ बस यही है, इस कॉलेज में क्या आना है तो अटेंडेंस सही रखना है अपना, 75 रखना है, उसके बाद आपका वही है कि अपने स्किल्स पे काम करना है, और मतलब कोई ज़्यादा मतलब शरारत नहीं, ज़्यादा वो नहीं करना कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तुरंत मतलब बाहर तुम अच्छा कुछ करोगे तो मतलब वही है फिर, मतलब अपना स्किल्स पे काम करो ज़्यादा, अपना 75% वो रखो, और मतलब टीचर्स के साथ अच्छा वो करो, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में आते हैं, आप सबको अगर एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो अपने कॉलेज को जिससे कॉलेज और इम्प्रूव कर पाए तो वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात, जैसे कि इंडस्ट्री लेवल जो एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों को प्रोवाइड करे। okay. जैसे कि बाहर से कोई इंडस्ट्री का बंदा आके अगर बच्चों को ट्रेन करे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। आपका क्या कहना है, क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे आप? एक तो थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम्स कराने चाहिए क्योंकि उससे पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, और एक्सपोजर भी मिलता है बच्चों को, एक्सपोजर भी मिलता है, और मतलब जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि क्लास के बच्चों में खुद में इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा। और खुद एक ब्रांच के हो के किसी को पता नहीं कि ये मेरी ब्रांच क्या है, ये भी होता है। ऐसा क्यों है? कि आपस में इंटरेक्शन नहीं है तो बच्चों को फेस्ट, और उसके बाद अच्छा और टेक्निक लगानी चाहिए जिससे कि आपस में इंटरेक्शन बन सके। अच्छा। और सीनियर जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन हो सके, यहाँ भी वो इंटरेक्शन का भी इंटरेक्शन अभी नहीं रह गया है। अच्छा, वो अगर सोसाइटी में हो तो हो जाएगा, वैसे नहीं, वैसे अगर हो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप कुछ बताइए, जैसे कॉलेज ऐड करे तो कॉलेज और इम्प्रूव कर सकता है? ऐड नहीं, सबट्रैक्ट करें। क्या? अटेंडेंस में थोड़ा रिलैक्सेशन दें पहले तो, और उसके बाद
फेस्ट वगैरह थोड़ा करा सकता है, जैसे इसकी जो ओपन ऑडिटोरियम है ये हमने जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे फाइनल ईयर वाले बोल रहे थे कि बन जाएगा, अब हमारे आते आते तक ये बन जाएगा। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बाहर से? तो काफी अच्छा दिखता है बाहर से। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब कॉलेज अच्छा है, कॉलेज जैसे पहले मेंशन करा लश ग्रीन है, लैब्स भी बहुत अच्छी है। अच्छा लैब्स वगैरह सब, लैब्स भी बहुत अच्छी है, फंक्शनल भी है, जाने भी देते हैं ना। मैकेनिकल की लैब बहुत अच्छी है, मतलब हमने फर्स्ट सीएस की भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मगर मुझे मैकेनिकल की थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, और मतलब यही है कि मतलब इन्हें बस 75% जो अटेंडेंस पॉलिसी है, या तो 50 या 60 करना चाहिए, या फिर जैसे IITs में होता है कि अगर आपके 75 से कम होगी तो आपका एक CGPA डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला रखना चाहिए। तो इससे बच्चों को आइडिया ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी स्टार्टअप ज्यादा निकलेंगे AKGEC से, तो ये सारी चीजें हैं बस। हाँ, कुछ ऐड करें आप? मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये फैन को हटा के सारे में AC लगा देना चाहिए। ये AC बेयर मिनिमम हो गया, बेयर मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फीस ले रहे हो 1,20,000 तो अच्छी खासी फी है। AC तो बनता है, बिल्कुल AC बनता है। और एक एक क्लास में 60 से 65 बच्चे बैठ रहे हैं, किसी किसी में तो ज्यादा भी हो जाते हैं, तो एक एक दो AC अफोर्ड किया जा सकता है। जैसे बगल वाली कॉलेज में IMS में भी है, फिर ये क्या है ABS में भी है, काइट्स में भी है, सब में AC मोस्ट इम्पोर्टेंट। हॉस्टल में भी AC नहीं है? अच्छा, और हॉस्टल की सिक्योरिटी वगैरह कैसी है? वो तो बहुत अच्छी, अच्छी है सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। और कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे आप लोग? ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हमने कवर कर दिया है। तो अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो अगर आप AKGEC को कंसिडर कर रहे हो अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।